देगरा शहर में मानसून पूर्व तैयारियों के तहत बीते कई दिनों से शहर के नाले सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी की अगुवाई में जारी इस काम को देखकर भारत नगर और बारा भाई मोहल्ले के नागरिकों ने सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए परिसर की अन्य नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए पालक मंत्री संजय राठौड़ से गुहार लगाई है। पेश है देगरा संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। शहर का संभाजी नगर इलाका यूं तो शहर के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों की फेहरिस्त में अव्वल स्थान पर आता है, जहां फिलहाल नगर पालिका प्रशासन ने मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी की निगरानी में नाले सफाई का काम तेज कर दिया है। इसी तरह से भारत नगर भी वो इलाका है जो हल्की बारिश से भी डबडबा जाता है। यहाँ की नालियाँ और सड़कें जलमग्न हो जाती है। इस वर्ष इस इलाके में काफ़ी दिनों से पालिका ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर यहाँ के वरिष्ठ नागरिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता मुबारक अली मलनस ने कुछ इस तरह से अपनी बात इन BCM के समक्ष रखी है। नाले की जो समस्या थी वो 25% अभी हल हुई है। उसका कारण एक है कि नगर परिषद में फंड नहीं है सिल्लर, उन्होंने अपने खुद के फंड में से नगर पालिका फंड में से इतना काम किए, उनके पास अगर से नीति उपलब्ध रही तो वो इससे भी ज़्यादा काम करने को तैयार है। तो इसलिए मेरी निवेदन है अपने मंत्री महोदय से कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड नगर परिषद को देना चाहिए, और मेरे हिसाब से भारत नगर के नाले को कम से कम 50 लाख रुपए नीति अगर दिए तो हमारा नाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और मैडम करने को भी तैयार है वो नीति आने के बाद कंप्लीट। और वो हिसाब से अगर नीति रही और वो 9.78 करोड़ का जो प्रपोजल भेजे मैडम ने, उसमें भी अगर से मंत्री महोदय ने सपोर्ट किए तो वो नीति आ गई तो दिग्रस की समस्या नाले और नालिया की हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि मैडम इतने ताकत से काम कर रहे, सुबह उठ के सवेरे 6 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक उनका वही काम कार्यक्रम चालू रहता, जहाँ वहाँ हर वार्ड में काम चालू है, हमारे भारत नगर में भी चालू है। और ये नीति अगर उपलब्ध करके दिया तो हमारा भारत नगर एकदम क्लीन हो सकता है। इसी तर्ज पर बात अगर बारा भाई मोहल्ला की जाए तो शहर के केंद्र में बारा भाई मोहल्ला इलाका बसा हुआ है। पहले यहाँ हल्की बारिश से भी इलाका जलमग्न हो जाता था, लोगों के घरों में पानी घुस जाता था, लेकिन इस बार हुई बारिश में न तो परिसर में पानी जमा हुआ और न ही लोगों के घरों का नुकसान हुआ। बारा भाई मोहल्ले की समस्याओं में काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसको लेकर इस मोहल्ले के निवासी तथा सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने NBCN न्यूज़ के सामने अपनी बात पेश की है। अभी फिलहाल में जो मैडम ने जो काम किए हैं नाली का, तो वो नाली के वजह से अभी पानी के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए। जैसे पहले पानी से पैक हो जाने की वजह से कैसा होता था कि घरों में पानी रुक जाता था और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, लेकिन इस बारी में मैडम ने जो धड़ाका चलाए नालियाँ साफ करने का और खुद खड़े रह के जो उन्होंने कराए, तो मैंने हज़ार मरतबा यही बोला कि अल्लाह पाक ने एक ही माधुरी मैडम क्यों पैदा किया दुनिया में। हर जगह पर माधुरी मैडम जैसे अगर लोग हो रहे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे। और दूसरी बात यह है कि निडर CO पहली बार डिग्रस के इतिहास के अंदर यहाँ पर मिला है, जो साफ सफाई के अंदर किसी भी तरीके की काट कसर नहीं रखते हुए खुद खड़े रह के अपने कर्मचारियों के साथ में जो मेहनत कर रहे हैं। मैंने भर धूप में भी देखा मई महीने में मैडम को और उनके कर्मचारियों को, जिस तरीके से उन्होंने गाँव के जो कचरा वगैरह जितनी भी जो गंदगी थी जिस तरीके से साफ करे, तो वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। और नाली के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी इतनी दो दिन से जो बारिश लगातार होती रही तो उसके अंदर पानी के बारे में मोहल्ले में तो इवन कहीं पर प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुआ इस बारी में, ना ही तो कोई पानी जमा, ना रोडों के ऊपर जमा, ना घरों में किसी के गया। और जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ फिलहाल अभी तो, क्योंकि गंदगी आप रुकी भी नहीं है, सब नालियाँ साफ वगैरह है, बहुत बेस्ट काम हुए है। ये बिल्कुल माधुरी मैडम के जैसा CO अगर हर नगर परिषद में दिया जाए तो बहुत कुछ नागरिकों को जो प्रॉब्लम है समस्या जो है वो बहुत प्रमाण पर मुझे ऐसा लगता कि सॉल्व हो सकती, लेकिन अब एक माधुरी मैडम होने की वजह से तो कुछ इधर उधर हो नहीं सकता। और हमारे राठौड़ साहब जो है उनसे भी हमारी एक विनंती है, रिक्वेस्ट है कि निधि अगर उपलब्ध करा के दिए तो ऐसा अधिकारी हमको बार बार यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब ये अधिकारी मिला है, तत्परता बता रहे, तड़का फड़की काम कर रहे, खुद होके बोरा फावड़ा अपने हाथ में लेके जब उठा रहे, तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो है, तो ये पहली बार मेरे जिंदगी में मुझे देखने के लिए मिला।
शहर भर में जारी मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी और उनकी टीम विभिन्न इलाकों में अपनी सक्रियता दिखा रही है। उनके द्वारा जारी नाले सफाई की फेहरिस्त और काम का ब्यौरा उन्होंने NBCN न्यूज से हुई बातचीत में पेश किया है। ऐक्चुअली तसं नोव्हेंबर महिन्यापासूनच आम्ही नाले सफाईला सुरुवात केली। इथे जो 12 मोहल्ला आहे इथे थोडंसं पाणी आलं तर ते पाणी लोकांच्या घराशी घुसत होतं, त्याच्यामुळे आम्ही नोव्हेंबरमध्येच ते पूर्ण नाला साफ केला आणि तिथले नाल्याचं बांधकाम पूर्ण झालं। आणि मे महिन्यापासून आम्ही शहराचे 3 झोन केले आणि 3 झोनमध्ये एकूण आम्ही 24 किलोमीटर टोटल नाले आम्ही स्वच्छ केले। शेवटचं काम आता हे सुरू आहे भवानी रोड तिथे तलावापर्यंत, हे झालं की आमचं पूर्ण 24 किलोमीटर नाले सफाई होऊन जातं। त्याच्यामध्ये केशवनगर ते भारतनगर आणि भारतनगर ते गुरुदेवनगर, गुरुदेवनगर ते कोर्ट परिसरपासून तर कोर्ट परिसर ते धावंडा नदी, इथे हा 1-6 किलोमीटरचा एरिया। संभाजीनगर ते मोरेवाडी, जो जिथं आता उभे आहो, ते मोरेवाडी ते भवानी रोड आणि भवानी रोड ते नदी म्हणजे मोरणा नदीपर्यंत हा 2 किलोमीटरचा एरिया। विद्याभारती शाळा ते चाणक्य लॉन, चाणक्य लॉन ते मानोरा रोड, मानोरा रोड ते कुबेर लेआउट आणि ते कुबेर लेआउटपासून तर नदीपर्यंत 4 किलोमीटर, म्हणजे तीनही एरियामध्ये आम्ही संपूर्ण नाले नदीपर्यंत आम्ही पोचवले आहे। आणि दुसऱ्या शेवटच्या शास्त्रीनगर ते कॉटन मार्केट आणि कॉटन मार्केटमधून सुधाकर जाधव यांच्या घरापर्यंत आणि तहसील कार्यालय ते वैभवनगर आणि वैभवनगर टू धावंडा नदीपर्यंत हा पूर्ण 10 किलोमीटर एरिया, म्हणजे टोटल आम्ही 24 किलोमीटर मोठे नाले आम्ही डीप केले। काही ठिकाणी आम्ही जिथे नाले म्हणजे पूल तुटले होते ते पूल बांधले। इथले हा जो आहे गुरुदेव संभाजीनगरचा जो हे आहे पूल, तो तोडून आम्ही मोठा केला, म्हणजे त्याच्यातून ते पाणी जायची अडचण नाही। काही काही ठिकाणी जसं कच्ची पुरा आहे तिथले नालीचं आम्ही बांधकाम केलं, अर्धे बांधकाम बाकी आहे ते करून घेऊ। आणि अध्यामध्ये जिथे जिथे नाल्या तुटलेल्या ते सगळे आम्ही तोडून बांधकाम केलं आणि अतिक्रमण काढून आम्ही नाले स्वच्छ केलेले। त्याच्यामुळे आता जो 2-3 दिवसाचा पाऊस आला त्या पावसामुळे कोणाच्याही घरामध्ये पाणी घुसलं नाही आणि पाणी सरळ नदीला म्हणजे नदीपर्यंत वाहून गेलं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर पालिका प्रशासन मानसून पूर्व तैयारियों के कामों में कितना सफल हुआ है, इस बात का अंदाज़ा नाले सफाई कार्यों को लेकर लोगों की राय से लगाया जा सकता है। पालिका के पास अगर फंड की कमी न होती तो और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से इन कामों को अंजाम दिया जाता। बहरहाल पालक मंत्री संजय राठौड़ इस ओर ध्यान दे ऐसी मांग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शहर की जनता कर रही है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।